वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर, और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित थाना सदर के नैनाना जाट में रात्रि में चोरों ने पुराने टायर के व्यापारी के घर को निशाना बना लिया। चोर व्यापारी के घर से करीब 9 तोले सोना, 2 किलो चांदी एवं लगभग 2 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहब्बत इम्तियाज बिहार का रहने वाला है और पिछले 25 वर्षों से थाना सदर के नैना जाट में रहता है और ग्वालियर रोड पर उनकी पुराने टायरों और पंचर की दुकान है। वह पुराने टायरों का खरीद फरोख्त करता है। व्यापारी की पत्नी नसीबा ने बताया है कि उनके पति पुराने टायरों की खरीद फरोख्त और पंचर की दुकान करते हैं। वह काफ़ी दिनों से अल्सर की बीमारी से पीड़ित चल रहे हैं, जिसके चलते उनके इलाज के लिए काफ़ी रुपया खर्च हो रहा है। वह काफ़ी दिनों से बीमार हैं। उनके इलाज के लिए उन्होंने लगभग 1 लाख रुपए डाकखाने से निकाले और घर पर 1 लाख रुपए पहले से रखे थे। वह उनका इलाज कराना चाह रही थी। इससे पहले ही चोरों ने घर में रखी नकदी पर हाथ साफ कर दिया। नसीमा का कहना है कि 4 बेटियों के लालन पोषण पर उन्होंने धीरे धीरे पाई पाई जोड़कर सोने और चांदी के आभूषण बचाए थे। नसीमा का कहना है कि लगभग 9 तोले सोना और 2 किलो चांदी के साथ साथ 2 लाख रुपए चोर घर से ताला तोड़कर ले गए हैं, संदूक का ताला तोड़कर ले गए हैं। नसीमा ने बताया कि उनके पति की तबीयत खराब थी, इसलिए वह अपने दूसरे मकान पर चले गए थे जो कि गांव में ही है। बुधवार की सुबह बेटी सुमरन घर पहुंची तो देखा मेन गेट का ताला लटका हुआ है, परंतु अंदर के ताले टूटे हुए पड़े हैं। घर का सारा सामान बिखरा देख बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने अपने पिताजी और परिवार को जानकारी दी। पत्नी ने आकर मौके पर देखा तो उनके जीवन भर की कमाई पर चोर हाथ साफ कर चुके थे। यह देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी है। मौके पर थाना सदर की पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी गई है। मौके पर पहुंचे थाना सदर के चौकी बिंदु कटरा प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और चोरों की तलाश की जा रही है। वहीं गांव में एक बात चर्चा है कि गांव की गली इतनी पतली होने के बावजूद भी चोर इस घटना को किस प्रकार अंजाम दिया जा रहा है। किसी के नहीं कहीं गांव के लोगों पर ही पुलिस और परिजनों को शक है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या पुलिस इस चोरी की घटना का कितनी जल्द खुलासा कर सकती है। तो आइए जानते हैं परिजनों से किस प्रकार की चोरी हुई और किस प्रकार की चोरी को अंजाम दिया गया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आप हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें उत्साहवर्धन कर सकते हैं। वहीं हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। नसीमा, क्या हुआ है आज आपको? हम रात में 10 बजे चले गए यहाँ से, ताला लगा कर, बाहर का ताला बंद हुआ है, अंदर के ताला तोड़ कर सारा चीज है, पति के इलाज के चलते पैसा था। कहाँ चले गए थे आप? दूसरा मकान में। दूसरे मकान में रहे थे? हाँ। यहाँ कौन था? यहाँ कोई नहीं था। ताला लगा था। तो क्या कैसे ले गए? चीज बहुत चीज है, 10-11 जोड़ी कान में की है और हाँ चैन है, अंगूठी है 4, तोड़िया है 12-13 जोड़ी और हाथ फूल है, झूमर है, नथ है, बहुत सौदा है। और रुपए भी है? हाँ रुपए भी है, इलाज के लिए है, 1-1.5-2 लाख रुपया है। 1.5-2 लाख रुपए इलाज के लिए रखे थे? हाँ इलाज के लिए रखे थे, अल्सर की बीमारी है। पर ले गए नहीं थे इलाज कराने के लिए? ले आकर वो बोतल चल रहे हैं सर, तो देखे तो रहे हैं। बोतल चल रहे हैं? हाँ। कहाँ ले जाने वाले थे? पटना से इलाज चल रहा है, भरतपुर इलाज कराए हैं, जिंदल में संजय प्लस कराए। इतना रुपया घर पे कहाँ से आया रुपया? अभी पोस्ट ऑफिस से निकाल, अभी पोस्ट ऑफिस से निकाल कर लाए हैं और अपने जो दुकान के सामान था वो बेचे हैं। तो आपको जानकारी कैसे हुई चोरी की? हम लड़की के भेजे आटा लेने के लिए। क्या देखा? लड़की देखा कि ताला टूटा हुआ है, कहने गया कि मम्मी घर पे ताला टूटा हुआ है, सब फफड़े हुआ है, बक्सा पेटी सब, मैं ऐसे उठ कर भगे आए। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ पुलिस के दिए सूचना।
पुलिस आई थी नहीं? हाँ पुलिस आया था। क्या कहा फिर आपने? देख कर फोटो लिख कर ले गया है, फोटो खींच कर। आठ नौ तोले से ऊपर होगा। और चांदी कितनी होगी? चांदी 2 किलो से ऊपर है। लगभग 2 किलो चांदी थी। हाँ। और सोना? सोना 8-9 तोले से ऊपर है। कितने बच्चे किसी? 4 लड़की था मैं। आज 25 साल से एक एक चीज बनवाते थे आदमी से, झूठ बोल बोल के बना कर रख देते हम सब चीज। कोई रखत परेशानी एक बच्चा है। मेरी पड़ोस के भैया भी साथ में जाती थी चीज लेने के काज, हम ले जाते थे कि चलो हम जो चीज बनाएंगे हम अकेले नहीं जाएंगे। अच्छा, रुपए कितने थे? रुपए 1.5-2 लाख रुपया था। अभी निकाल कर लाए पोस्ट ऑफिस में से, मैं कहे कि भर्ती हो जाओ, भर्ती करने के काज लेके आए थे। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज है। क्या मामला हुआ? जैसे हमने बीमार पड़े हुए सर, बीमारी से जैसे हमको हालात ख़राब था, तो हमने जैसे कि अपने बच्चन के गाज, लड़कियों के गाज, सब चीज़ व्रत बनवा रखे थे शादी के लिए। हमने सोचा अगर मर जाएंगे तो किसके साथ, किसके यहाँ जाएंगे भीख मांगने के लिए, तो हमने इसलिए पहले ही बनवा लिए थे। हमने दुकान के सामान मान बेच करके जैसे कि अपने लड़की के लगाने के लिए, शादी के लिए जैसे बनवाए थे सब चीज़, और फिर उसके बाद अपनी पैसे लाए थे निकाल के दुकान पर से, जैसे कि सब कारोबार करने के लिए। की दुकान करते हो? मैं टायर पंचर की दुकान है सर। कहाँ पे करते हो? सेबला चुंगी पे। बीमार कितने दिन से? बीमार तो मैं बहुत दिन से हूँ। मैं इसीलिए जैसे कि मैंने अपने पैसा पोस्ट ऑफिस में लाया था निकाल के कि मैं अपने शरीर में लगाऊंगा, जनरल हॉस्पिटल में इलाज कराए थे, फिर जैसे कि सुभाष पार्क में इलाज कराए, पटना बिहार में इलाज कराए सर। किसी हम बिहार के हैं सर, यहाँ कम से कम 25 साल से ऊपर हो गया। हाँ यहीं रह रहे हैं, बाल बच्चे सब यहीं रह रहा है। 2 लाख रुपए है। गहने बहुत गहने उसमें हमने बता दो सीमा तोला से ऊपर होगा मेरी अल्लाह। मेरा नाम जितेंद्र सिंह रावत है, होमे निवास नैना जाट। ये दरअसल क्या है कि ये मोहम्मद इम्तियाज नाम का पिछले 25 साल से नैना जाट में रह रहा है। इसके 2 घर हैं यहाँ पे, जो कि टायर का और इसका पंचर का व्यापार है जिससे वो कमाता था। जैसे इसकी पत्नी ने अपने बच्चों के लिए, इन पे 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटियों के लिए इन्होंने सामान धीमे धीमे 25 साल से अर्जित कर रहे थे, जिसमें इनका जो सामान था वो इस प्रकार था, 1 जोड़ी जाले, 2 जोड़ी झुमकी, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए नगद उसमें रखे थे, और 1 लाख रुपए कल शाम को और उन्होंने ला के रखे थे, जो कि पोस्ट ऑफिस से ला के रखे थे उन्होंने, क्योंकि इनके जो इम्तियाज हैं, इनके पति का इलाज होना है क्योंकि इनको अल्सर है। लगभग इन्होंने 7-8 हॉस्पिटल बदल दिए, जिन्होंने जयपुर, पटना, आगरा सब क्षेत्रों में इन्होंने गए, इनको इलाज के लिए घूम रहे पिछले 1 साल से। और इसमें जो इनके पास जो 4 सोने की अंगूठी, एक चांद 3 ग्राम का, 1 चांदी की चुटीला, 13 जोड़ी पायल थी, 1 नथ थी, 1 झूमर और ये 3 पेंडल सोने के, 1 मंगलसूत्र, 2। दरअसल क्या है कि ये सोची समझी साजिश के तहत हुआ है। जैसे कि यहाँ इनको पता, किसी चोर को पता लगा है कि यहाँ आज रात को ये नहीं सो रहे हैं यहाँ पे, तो ये अपने दूसरे घर जा करके किसी परिस्थिति में वहाँ सो गए हैं। रात को आया है चोर, उसने मात्र ताला तोड़ करके अंदर से जाके पूरा सफाया कर दिया है। ये दरअसल क्या, बाहर से तो ताला लगा हुआ, अंदर से दीवार फलांग कर वो अंदर गया है और इसने चोरी को अंजाम दिया है छत के रास्ते से। पुलिस मौके पर आई, उन्होंने 100 नंबर डायल किया 112, उससे पुलिस PRB आई है, उसके बाद यहाँ मौके की लोकल पुलिस है वो भी आई है, इंस्पेक्टर जी आए हैं यहाँ पे, इंस्पेक्टर साहब मौके को देख कर गए हैं।